एंगल्स आर इक्वल। आपको स्टेटमेंट में क्या दे करें कि आपको एक आइसोसेलस ट्रायंगल दे करें, सीधा फिगर एबीसी क्या है यहां पर आइसोसेलस ट्रायंगल है, इट मींस क्या होगा इसके टू साइड्स क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। सो इसके अपोजिट एंगल मींस ये एंगल बी और ये एंगल सी ये क्या है इक्वल है, आपको प्रूफ करके बताना है। ओके सो गिवन में हमें क्या दे करें, जो गिवन में वो लिख लेना है कि आइसोसेलस ट्रायंगल एबीसी AB = AC now to prove क्या करते हैं यहां पर angle B = angle C अब हमें angle B and angle C प्रूव करने के लिए यहां पर क्या करना होगा कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो क्या करना होगा आपको angle A से perpendicular ड्रा करना होगा, मतलब angle A को क्या करना होगा bisect करना होगा। ओके ड्रा द bisector आप यहां से इस तरह से bisect करना होगा। ओके इंटरसेक्ट हो रहा है BC को एट पॉइंट मान लो कि ये DA मतलब एंगल A क्या कर रहा है यहां पर एंगल A को बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है और इंटरसेक्ट हो रहा है BC एट पॉइंट D, मतलब यहां पर ये एक एंगल मिला हमें ये एक एंगल मिला। ओके एंगल्स को नाम दे देते यहां पर ये एंगल 1 और ये एंगल 2। ओके अब क्या करना है अब आपको प्रूव करना है, अब यहां पर टू ट्रायंगल्स मिल गए हैं, यहां पर कौन से ट्रायंगल्स मिल गए ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। ओके सो ये दो ट्रायंगल्स लेकर हमें क्या करना है ये एंगल बी एंड एंगल सी क्या करना है इक्वल दिखाना है। ओके सब सॉल्व करते हैं क्या होगा इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी जब दो ट्रायंगल्स हमें क्या करना होगा कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा तब जाकर हमें ये एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल मिलेंगे। तो देखो प्रूफ में क्या होगा इन ट्रायंगल एबीडी एबीडी एंड ट्रायंगल कौन सा है एसीडी में एसीडी। ओके जब भी हमें टू ट्रायंगल्स इक्वल दिखाने रहते हैं तो उसके थ्री पेयर्स हमें क्या करना होगा इक्वल्स दिखाना होगा। ओके तो यहां पर देखो AB = AC ऑलरेडी क्या है दोनों ट्रायंगल्स में ये AB और AC इक्वल है, सो क्या होगा फर्स्ट पेयर अपन क्या हो जाएंगे यहां पर AB = AC ये हमें कहां पर देख रहे हैं गिवन में देख रहे हैं क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल से गिवन में लेंगे यहां पर। नाउ अब देखो यहां पर जब एंगल A क्या हो रहा है बाइसेक्ट हो रहा है। ओके सो यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। ओके हमने क्या कंस्ट्रक्शन करके निकाला है सो क्या होगा एंगल 1 = एंगल 2 रीजन क्या लेगा बाय कंस्ट्रक्शन। ओके नाउ दो पेयर्स मिल गए अगेन अब दोनों ट्रायंगल्स मिले तो AD एंड AD ये AD = AD दोनों ट्रायंगल्स के लिए AD क्या है कॉमन है सो क्या होगा यहां पर ये AD = AD क्या है यहां पर कॉमन है कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स के लिए तो यहां पर भी थ्री पेयर्स मिल गए इक्वल कौन से साइड एंगल साइड क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए क्या है सेम साइड है इक्वल है। ओके सो साइड एंगल साइड मतलब क्या होगा ट्रायंगल एजीडी क्या होगा कॉन्ट्रेंट होगा ट्रायंगल एसीडी से। ओके सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीडी कॉन्ट्रेंट टू ट्रायंगल एसीडी रीजन बाय एसएएस रूल बाय एसएएस रूल। ओके जब ये दो ट्रायंगल्स का ये ट्रायंगल्स ये ट्रायंगल्स इक्वल है तो ये एंगल बी और ये एंगल सी क्या बन जाएगा यहां पर इक्वल बन जाएगा बाय सीबीसीडी करस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी रीजन बाय सीबीसीडी और यही हमें क्या करना था प्रूव करके बताना था जब आइसोसेलस ट्रायंगल्स के दो साइड्स मतलब ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे इक्वल्स रहेंगे। ओके सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये जो थ्योरम 7.4।
टू है. ओके थैंक यू.